जवाब से ही न टपका तो फिर न हो क्या है। हाय वेलकम गाइस, क्या हाल है, सब खैरियत। तो यार आज है सैटरडे का दिन, आज है हमारा कोई पाकिस्तानी इवेंट है HSC यूनिवर्सिटी में, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मुझे काफ़ी लेट हो गया। मेरे साथ एक बंदा भी है, देखो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखे भाई, ये है हमारे हॉस्टल के बाहर के मामलात, देखें कैसे ये अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं अपनी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल अपने कपड़े पहन के। तो देखें सबको, वाह भाई, आप लोग आज का ये व्लॉग पसंद करेंगे इंशाल्लाह, शेयर कर दे दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इमरान भाई सलाम अलैकुम, जगह दे टॉप मजा ज्यादा हुआ है, ट्रांसलेशन भी कर दे। आज हम अपने व्यूअर्स को जो है वो लेके जा रहे हैं HSC यूनिवर्सिटी में, मेरे से तो आप हैं ही वाकिफ पहले भी। आज जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है और आज अनवर भाई के चैनल पे बहुत सारा फन होने वाला इंशाल्लाह। चलो चलो जल्दी चलें यार, लेट हो गया। चलो यार जल्दी जल्दी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया। मेरा दोस्त तो वो भाग रहा है सामने। तो यार मैं ना आपको अभी एक स्पेशल बंदे से मिलाने लगा हूँ, पता नहीं आप उसको पहचानेंगे या नहीं, लेकिन मैंने तो उसको जब फर्स्ट टाइम देखा मैं नहीं पहचान पाया था। ज़रा इससे मिले, ये देखें इस बंदा को, लग रहा है आपको फेमिलियर? जी ये टट्टी किसने की है? ये क्या किया भाई तूने अपने साथ? जरा एक्सप्लेन कर, क्या क्या ये तूने, इधर तो देख जरा। भाई नहीं अच्छा लग रहा तू, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, क्या कर दिया तूने यार, इतना प्यारा था तू, शायद अभी भी शायद अब भी लग रहा हूँ शायद। बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, जब तक तेरी दाढ़ी नहीं आती ना मेरे रूम में मत आइयो, तेरे को मैं बता रहा हूँ भाई, तुझे लगना भी नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। हाँ यार ये बात भी है, लेकिन तू मेरे फ्लोर पे ना आई भाई, मेहरबानी करके। चलो भाई जल्दी जल्दी हम जाते हैं यार, मेट्रो पकड़ रहा है, मेट्रो पकड़नी है। और कौन सा अपना स्टेशन कौन सा है? लिस्ना या 2-3 आ गया। ओके फिर तो करीब है, इतना कोई इशू नहीं है। चलो यार जल्दी जल्दी पहुंचते हैं मेट्रो इवेंट लोकेशन पे। हाँ फिर आपको मिलते हैं उधर ही, ठीक है। ये देखो भाई आ गए हैं हमारी मेट्रो के करीब, या हमारी आने लगी है मेट्रो। अभी आप सुनना आवाज़ कितनी होती है, मार्स की पसंदीदा मेट्रो है। चलो यार ये देखो सीधा जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। चलो यार निकल आए मेट्रो से बाहर, अभी यहाँ से बस करीब ही आई थिंक कोई 2 या 3 मिनट की वॉक पे हैं, वहाँ ऐसे ही है ना तकरीबन 5 मिनट की वॉक है। हाँ बस ऐसी वॉक है और फिर सीधा उधर पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। नहीं ये देखो भाई, ये स्कूटीज यहाँ पर ऐसे होती हैं, ये ऐसे जगह जगह ऐसी खड़ी रहती हैं, तो जिसको भी स्कूटी पे जाना आता है बस वो अपना फ़ोन से QR स्कैन करता है और डायरेक्टली जो है ना फिर आपके बैंक से जो है ना वो रूबल्स माइनस होने लगते हैं। आई थिंक कोई इसका आपको कोई पर मिनट 7 रूबल्स चार्ज कर देते हैं, तो भाई इतनी सहूलियतें हैं यहाँ पर। सामने साइकिल्स भी खड़ी हुई हैं, वो देखें आप सामने, वो साइकिल्स भी ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक, बस QR स्कैन करते हैं कोड और आपकी जो है ना वो पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये भी काफ़ी इजी हैं, अच्छे हैं ये भी, लेकिन यार थोड़े से महंगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मैं ट्राई करूँगा इसको, ज़रूर करूँगा, अभी तो मुझे चलाने नहीं आती। तो चलो यार ये देखें आप कोई नज़ारे, अभी कोई आई थिंक 5:15 हो रहे हैं और ये आप नज़ारे देखें, ऐसे ही तकरीबन मगरिब हो गई है। और भाई यहाँ पर तो मैं कल नहीं परसों में कितने बजे 7:45 उठा था भाई, फुल अंधेरा यहाँ पर जो है ना, रातें अभी बहुत लंबी हो गई हैं और दिन बहुत छोटे हैं, बस एकदम जैसे 4 बजते हैं यहाँ पर अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अभी देखें 5:15 हो रहे हैं तो सारा मगरिब जैसा माहौल बना हुआ है, ये देखें आप, ये देखें भाई सारा ऐसे लग रहा है कि मगरिब हो गई है। तो यार यहाँ पे जो है ना रातें बहुत बड़ी हैं भाई। आ गए हैं HSC यूनिवर्सिटी है तो यार माशाल्लाह बहुत प्यारी। अब बस देखते हैं हमारा इवेंट कहाँ है वहाँ से भाई, तो वहाँ से अपन एंट्री कैसे करेंगे भाई?
अपने आई थिंक हमारा पासपोर्ट रजिस्टर्ड है, तो हमें जस्ट अपने वो पासपोर्ट दिखाना है, हमें इंटर कर देंगे। हाँ ये भी है, चलो यार ये देखो आप, ये सामने एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, अभी अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ पर है ये इवेंट। यूनिवर्सिटी तो बहुत प्यारी है भाई, मैंने भी इसमें ट्राई किया था लेकिन मेरा कोर्स नहीं था, ये सारी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो होते हैं ना IR वगैरह सारी इसकी। अब ये देखें ILF HSC भाई, बहुत बहुत जो है ना प्यारी और खूबसूरत, और भाई बहुत ही क्या कहते हैं पढ़ाई के उस हिसाब से भी भाई बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। चलो यार अंदर जाके देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। देखो भाई हम आ गए हैं अंदर, भाई आ गए यूनिवर्सिटी में, हमारी हो गई है एंट्री। अभी ये हमें फीमेल जो भी हैं ये हमें लेके जा रही हैं जहाँ पर हमारा इवेंट है, देखते हैं भाई कहाँ लेके जा रही हैं। वेटिंग फॉर द लिफ्ट, ये आ गए हैं इवेंट के इवेंट, तो अभी इवेंट गोइंग ऑन था, यहाँ थोड़ा लेट हो गए। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ये देखें सारा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, सारे इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और ये इवेंट अभी गोइंग ऑन है भाई। चले अब आप देखें मैं, so let's start from the my favorite point from Shah Sahib is saim sadaim kareemate sind sukar, saim sadaim kareemate sind sukar, dost mitha dildar alam sab abad kar hai hai. This means that oh God bless your, shower your blessings on Sindh, but along with that shower your blessings on the whole world, on the whole population. So he was the greatest poet of all. So now, so he has a lot of chapters in his poetry. So what I'm going to recite is a folk song, Sathindi Net Surbhal, Mari Vida Mari Mari, Sathi Suramana Menirgo, Mitha Mehran Menirgo. This says that our battle will continue, we will get success finally someday. लगाने के लिए हमारे पास मौजूद है शहाब अली, शहाब अली फ्रॉम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। पश्तो में गाना हो रहा है, हमें ट्रांसलेट करके बताना। लेकिन ये ट्रांसलेशन आखिर में होगी, आगाज में नहीं। वो इंग्लिश में कहते हैं कि पोएट्री लॉसेस इट्स वर्थ इन एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम पोएट्री को एंजॉय करते हैं ट्रांसलेट करेंगे। चलो ठीक है भाई, ठीक है ट्रांसलेशन सब किया हमने। चलो भाई तुम गाना सुनो, कौन सा गाना है बता यार। और माला तू आधा पठान है आधा पंजाबी है आधा सिंधी है, तू है क्या भाई है। ये देखो भाई पठान यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, तुझे समझ आ रहा है इसने कुछ कहा है कि आ रहा हूँ, इसने कुछ बोला है कि चार मेरे लिए लेकर आए थे कुछ आगे मुझे नहीं पता भाई इसने क्या है, मुझे थोड़ी सी आती है। हाँ नहीं पोस्टर है हमारे बीच में ढूंढो भाई, एक अफ्रीकन आया तो एक पोस्टर अबे रेसिस्ट मुंह से सुपारी निकाल के बात कर नहीं यार ऐसा गाना है ऐसा गाना मजाक कर रहा अबे इतना अच्छा तो गा रहा है।
का गाना है भाई, क्या हो गया? नहीं अच्छा है भाई, क्या हो गया? दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा। डांस चल रहा है यहाँ पे, मास कुछ कहना चाह रहा है। ये अभी वुजू करके आया, ये अभी मगरिब भी पढ़ेगा, ईशा भी पढ़नी है अभी। इसने नमाज पढ़नी है डांस के बाद। ओए इवन शैतान इज कंफ्यूज्ड। शैतान इज कंफ्यूज्ड भाई। ये देखो उमर इधर जो है ना, उसकी नमाज ही पढ़नी है, मगरिब और ईशा की नमाज भी पढ़नी है भाई। शैतान भी कंफ्यूज्ड है। उस झील में जो फिसला कि फिर निकल ना पाए। वाह 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 वाह। उस झील में जो फिसला कि फिर निकल ना पाया, मेरे वजूद पे था सिर्फ बल का हस्ता। हाय हाय, हमारे सर पे बाल नहीं है। मुझ में वो वजन सीधा, मुझ में वो वजन सीधा, तो मैं क्या बताऊं वो शान, वो शाम वो कोहराम वो कोहराम वो कोहराम। हाय हाय। एक रोज बज़्म यूसुफ में मुलाकात यूं हुई। हाय हाय। एक रोज बज़्म यूसुफ में मुलाकात यूं हुई, मातम सर बाजार भी कोई देख ना पाए। हाय हाय। क्या बात मास, क्या बात, कौन सी बात? मुलाकात यूं हुई, मातम सर बाजार भी कोई देख ना पाया, कुदरत खुदा की देखो कि उसने ये सुन ली, कल्बे रोशन को रहम से कर आशना दिया। कल्बे हुसन को रहम से तक आज बना दिया, और लगाया गले लम्स यूं के फट पड़ा नीचे। मस्त, क्या बात है, क्या बात है भाई, पूछ रहा हूँ क्या बात है। ये मुझे भी नहीं समझ। मेरी रूह जिंदा हो गई और जज्बे खाकी नूर बन गई। हाय हाय। दोबारा कर इधर देख के। मेरी रूह जिंदा हो गई, जज्बे खाकी नूर बन गया। खुदा सलामत रखना,
मेरे उस हसीन को जिसने मुझे दीवान से इंसान बनाया। आए हाय आए हाय वाह करेंगे। अभी आप सिर्फ एंजॉय करो और देखो, ये देखो भाई अब सिर्फ तस्वीर होने लगी है फाइनल, और अभी करवाते हैं यहाँ पे फाइनल पिक्चर। तो भाई इवेंट हो गया है ख़त्म, अभी हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा खाना वाना, बिरयानी बिरयानी बनी है आई थिंक, देखें वो जाके फोड़ते हैं बिरयानी। ये देखो माज यहाँ पे कर रहा है फोटो सेशन, दोबारा तू वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, तू पिक्चर लेनी है तूने। चलो यार हम भी यहाँ पे दो तीन पिक्चर्स ले लें। ये देखो भाई बिरयानी का माहौल लगा हुआ है, सारे बिरयानी खा रहे हैं सारे, हम भी लेते हैं बिरयानी अपनी फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई बिरयानी मिल गई है हमको, इसी बिरयानी के लिए हम आए थे, और हमें जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे हमें वो मिल गई। इमरान अपना मुबीन भाई आप इसीलिए के लिए आए थे, फिर किसके लिए आए थे? कैमरा बंद करूँगा ना फिर बोलेंगे मैं तो इसी के लिए आया था। मुझे पता है इमरान मुबीन भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। रायता नहीं है यार, एक तो तेरे को मुफ्त का मिल रहा है और तुझे रायता भी चाहिए, ये भी ले लेंगे तुझसे। ये ज़रा आप देख लें, ये है HSC यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया, यहाँ पे ये सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अपनी बिरयानी एंजॉय कर रही है इवेंट के बाद। ये सब अपनी बिरयानी करके सब जाएंगे यहाँ से, हम भी बस निकलते हैं, हमें बिरयानी खा लिया बस निकलते हैं इसके बाद। ज़रा देखें आप, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या सीन निकलते हैं। ये देखो इसको देखो, ये तो घूमता रहता है, धक्के खा रहा होता है, ठप्पे खा रहा होता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं ठप्पे खाता होता है। सर भाई इवेंट हो गया है ख़त्म, अभी मैं और माज बस निकल रहे हैं। इवेंट अच्छा था यार, बहुत मज़ा आया है उसमें। ऐसे लग, मुझे तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में, वाकई एक पाकिस्तान का इवेंट लग रहा था, मजा जैसे फीलिंग आ रही थी, कसम से मजा आ गया। लिटरली ऐसे लग रहा था कि हम मतलब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में आए हैं, उर्दू में, और मतलब काफी सारी यूनिवर्सिटीज का ना वो है कि क्या होता है गैदरिंग है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था वाकई। बहुत अच्छा इवेंट था, वेल डन HSC यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भाई, बहुत मजा आया। तो चलो यार आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।